कर रहा है यार। इस हाल में बैठे मेरे किसान भाई और मंच पे आसीन मेरे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माताओं बहनों, किसान और किसानी, इस हाल में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान है क्या है? आप लोगों में से कितने लोग किसान है जरा हाथ उठाइए। अच्छा, सभी लोग किसान है। किसान होना छोटी बात है या बड़ी बात है पहले ये बताओ, क्या है? कितने लोग ये मानते हैं बड़ी बात है, जरा हाथ उठाओ। ये नहीं मानते हैं, देखो ये कह रहे नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। किसान होना, मैं आईएएस अफसर हूं, मैं क्या हूं, लेकिन आप मुझसे कई मामले में बड़े हैं। कैसे? एक किसान एक आईएएस से कई मामले में बड़ा है। कैसे? पहला, आप सबको खिलाते हैं, अन्न देते हैं, अन्नदाता हैं, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है, है कि नहीं है? है। और कई तरह की मुसीबतें आपके साथ हैं, फिर भी आप मुस्कराते रहते हैं। मुस्कराते हैं कि नहीं मुस्कराते हैं? और हम लोगों की थोड़ी सी हवा लगती है तो छींक आने लगता है, होता है कि नहीं होता है? एक बात और किसानों की है कि जो किसान है उसके अंदर जोखिम लेने की बहुत सारी क्षमता है। उसको पता नहीं कि उसकी उपज कब बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो काम करता रहता है। देखिए, मैं जालौन जिले का हूं नहीं, और ना मेरा जालौन से कोई या उरई से कोई लेना देना है। मैं तो लखनऊ में पोस्टेड हूं और पहली बार आया हूं। कहां? जालौन। तो क्यों आया हूं बताऊं? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं जालौन क्यों आया? कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, जानना चाहते हैं तो कहां के बिमल इधर आओ। देखो, इनको जानते हो? कितने लोग इनको जानते हैं? कम लोग जानते हैं। ये जो जागरण पेपर है उसके ये जालौन के हेड हैं, मुखिया हैं, और हमारी इनकी रिश्तेदारी है। क्या है? अब रिश्तेदारी, एक आईएएस एक पत्रकार की रिश्तेदारी कैसे हो सकती है? गजब की बात है कि नहीं है? मैं कलेक्टर था बांदा में 1.5 साल, कितना था तब, ये वहां के हेड थे। कहां के? बांदा के बाद ये यहां आए, तो हम दोनों ने मिलकर साथ किया है। और ये आदमी अच्छे नहीं है, क्या नहीं है? ये आदमी अच्छे, तब ये आदमी अच्छे नहीं है, फिर भी मैं आया हूं ना। ये हमारे खिलाफ वहां लिखा करते थे, कहां, जिला अधिकारी के खिलाफ लिखना। तो ये अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? अरे, जिला अधिकारी खिलाफ लिखवा रहे हो यार, वो कह रहे हो बुरे आदमी है, अच्छे आदमी कैसे हैं? ये मेरे खिलाफ लिखते थे, इसके बावजूद हमारी इनकी वहीं से दोस्ती बनी, और आज मैं इन्हीं के बुलाए पे आया हूं। और इनका जिंदगी का कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत प्रायः नहीं देखने को मिलता, जिससे हमारी इनकी दोस्ती चल रही है। ठीक है, अब मैं बात किसानों की करना चाहता हूं। ये जो किसान है उसके मन में एक बात ये रहता है कि मैं कपड़े गड़बड़ पहनता हूं, मेरी मोछ अच्छी नहीं है, मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, और मैं देहाती हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं कमजोर हूं। क्या समझते हैं हमारे किसान लोग? हम गड़बड़ हैं, हम गरीब हैं। उनके मन में एक छोटी भावना पैदा होती है। ये बात कतई ठीक नहीं है। हमारे देश का अगर सबसे कोई मजबूत स्तंभ है तो वो किसान है और किसानी है। समझ में आई बात की नहीं आई? आज जो शहर में लोग रहते हैं, उनको हवा कहां से मिलती है?
जो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ कहाँ है? गांव में। ऑक्सीजन गांव से आ रहा, दूध गांव से आ रहा, रोटी सब्जी गांव से आ रहा। तो ये जो किसान है वो केवल गांव को नहीं, सबको सब तरह की व्यवस्था करता है। आप इतने शक्तिशाली हैं। और ये हमारे जो किसान हैं, ये हमारे देश की शान है। क्या है? जो हमारे किसान हैं वो देश, हमारे देश की शान है और हम सबकी पहचान है। क्या है? हम सबकी पहचान है, शान है। क्यों? हमारा भारतवर्ष ये माना जाता है कि ये गांव वाला देश है, गांव वाला देश है। इसकी पहचान भारतवर्ष की गांव से है। और गांव में कौन रहता है? किसान रहता है। इसलिए आप इस देश की शान है, इस देश की पहचान है। अब बात रही, मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि हमें इस गोष्ठी में, जो हम यहां आए हैं, दो चीज लेने आए हैं। क्या? हम दो चीज प्राप्त करने आए हैं, अक्ल और आमदनी। क्या? अक्ल और आमदनी। इस तरह की गोष्ठी का मकसद होता है कि हमारी कैसे आमदनी बढ़े और कैसे हमारा अक्ल बढ़े। तो जो किसान हैं, हमें वो पुराने ढर्रे पे सिंचाई करके, पुराने बीज डाल करके, पुराने तरीके से खेती करके, पुराने तरीके से अनाज को स्टोर करने के जो तरीके हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमें अक्ल लेना पड़ेगा, नई विधि नई तकनीक सोचना पड़ेगा। और इसी तरह से आय बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। अभी पानी की बात चल रही थी, मैं कलेक्टर बांधा रहा हूं तो मैं जानता हूं, क्योंकि हमने वहां जनता की मदद से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया था। कितना पानी बढ़ाया था? 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। उससे क्या हुआ, एक दूसरी फसल भी होने लगी तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गया। पानी बचाना, पानी बचाने का मतलब आप क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। आप ये नहीं समझते हैं। तो पानी बचाना, हमारी जो पहले थी कि ट्यूबवेल चला दिया, फ्लड इरिगेशन खोल दिया, बह रहा, वो नहीं चलेगा। अब ड्रिप इरिगेशन पे आइए, पानी बचाइए। और आपका हमारा एक दुश्मन और बहुत बड़ा है। क्या? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारे जल जंगल जलवायु दोनों को यह परेशान नुकसान कर रहा है। तो हमें अपने जिंदगी से प्लास्टिक को क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। इसमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, केवल आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना है। और आपको धनी कौन बना सकता? मैं बना सकता, आपके परिवार वाले बना सकते, आपके गांव वाले बना सकते, या आपको खुद बनाना पड़ेगा? क्या उत्तर है? खुद बनना पड़ेगा। सही उत्तर यही है। तो जिस दिन आप ये सपना देख लेंगे कि मुझे धनी बनना है, ना आपको कलेक्टर साहब की जरूरत है, ना पड़ोसी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं आज अपनी इस बात को यही इस मुद्दे से समाप्त करना चाहूंगा कि आप धनी बनने का सपना देखना शुरू करिए। क्या सपना देखना शुरू करिए? धनी बनने का। और जिस दिन आप धनी बनने का सपना देख लेंगे, आप धनी हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। हम लोग गांव में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं, मैं कुछ चार लाइनों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कदमे तो छोटे हैं मगर लोग बड़े रहते हैं। देखने में छोटा लगता है लेकिन लोग बड़े रहते हैं। हम सिर्फ अपना घर ही नहीं, ये किसान क्या है? किसान। हम सिर्फ अपना घर ही नहीं, पूरा देश चलाते हैं। हम किसान हैं साहब, हम मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं, हम मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं। दुनिया के ऊपर कर्जा है लेकिन आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि आप अनाज पैदा करते हो, सबको खिलाते हो, सबका कल्याण करते हो। देखो, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन
मैं अपनी बात को यही विराम, अभी कल मैं सिंचाई विभाग में, कल सिंचाई विभाग में वर्ल्ड बैंक से ड्रिप इरिगेशन पे एक बहुत बड़ी ताज होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट किया और उसका टॉपिक था कम पानी में अधिक सिंचाई। उसका टॉपिक था, टैगलाइन था, कम पानी में अधिक सिंचाई, अधिक फसल और अधिक कमाई। क्या था? कम पानी में अधिक सिंचाई, अधिक फसल और अधिक कमाई। इसका मतलब यह है सिंचाई के पुराने ढर्रे पे अब हम पानी है ही नहीं है, पानी कम है तो सिंचाई का तरीका बदल देंगे, कम पानी में अधिक सिंचाई करेंगे, अधिक फसल उगाएंगे, अधिक कमाई करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपने लिए तो ताली नहीं बजवाऊंगा लेकिन एक आदमी के लिए ताली बजवाऊंगा, आप लोग विमल जी के लिए ताली बजा दीजिए। और वो इसलिए है कि अगर विमल जी मुझसे, इन्होंने पिछले 2 साल में कई बार बुलाया, कई ओकेजन पे मैं आ नहीं पाया और आज वो दिन वो घड़ी पूरी हुई। और मैं बताऊं, मैंने बांदा पे एक किताब लिखी है, इसका नाम है डायनेमिक डीएम। क्या नाम है? डायनेमिक डीएम। पीएम, सीएम और डीएम, यही तीन पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत झंझावाती है। ये दिखता है बाहर से कि डीएम मजा लेता है, डीएम मजा नहीं लेता, रातों दिन परेशान रहता है। ठीक है, नहीं हमारे पास एक है, मैं एक किसी को दे सकता हूं और बंटवाने के लिए मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भावना समझ गया। इसमें मैंने बांदा में पानी कैसे बचाया, बच्चों की पढ़ाई पे क्या काम किया, इनकम कैसे बढ़ाया, पे जियाओ अभियान चलाया, प्लास्टिक मुक्त बांदा, झोला युक्त बांदा, वो जो मैंने बांदा में 1.5 साल में काम किए थे इस किताब में लिखा है। ये 160 रुपये की ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, अगर आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं। और अच्छा, ये कह रहे हैं विमल जी की श्रवण द्विवेदी के यहाँ ये किताब पहुंचा देंगे, आप वहां से आपको मिल जाएगी श्रवण द्विवेदी जी के यहाँ। अब ये श्रवण द्विवेदी जी से आपको संपर्क करना पड़ेगा और श्रवण और श्रवण द्विवेदी जी को पटाना पड़ेगा, पटा लो श्रवण द्विवेदी जी को। हाँ, तो ये किताब आपको वहां से मिल जाएगी, आप लोग ले लीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं। अंत में मैं एक शब्द के साथ, अपने मन में कोई छोट भावना मत लाना। क्या? किसान से बड़ा शक्तिशाली कोई आदमी, कोई व्यक्ति नहीं है। ये मेरा अजमाया हुआ फार्मूला है, मैं खुद किसान का बेटा हूं और हर फोरम पे कहता हूं, जब मैं परिचय देता हूं तो ये परिचय कभी नहीं देता कि मैं आईएएस हूं, मैं परिचय देता हूं अपना कि मैं किसान का बेटा हूं और खेती किसानी मेरी पहचान है। अगर इसमें ताकत नहीं होता तो मैं ये पहचान नहीं बताता, मैं बताता मैं आईएएस हूं। किसान हमेशा सबसे बड़ा है, रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।